Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Kanchi and I hope you all are doing well. So आज की जो वीडियो है वो अगेन शॉप से प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो होने वाला है, बट वो फुटवेयर रिव्यू होने वाला है जो कि है एक सैंडल जिसके बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट है, तीन तो प्लस पॉइंट होंगे, आई डोंट नो अबाउट इट, बट वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आए. एंड उसका रीज़न है जस्ट नॉट बिकॉज कि मैंने शॉप से लिया था इसलिए ख़राब था, बट एक दो तीन वैलिड रीज़न है जो मुझको वो सैंडल बिल्कुल नहीं पसंद आई. एंड अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम ये रिसीव हुआ था ये किसी मेरे रिलेटिव ने रिसीव किया था एंड आई वॉज नॉट एट होम. एंड उसके बाद जब मैं आई हूँ उसको खोल के देखा तब से आया था, फिर थोड़ा सा पहना तो उसके बाद क्या हुआ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर वी स्टार्ट आपको बताइए क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब. लेट्स गो. दिस इज़ द सैंडल बॉक्स ही मुझको ऐसे ही रिसीव हुआ था, जस्ट ऐसे ही, इसके ऊपर और कुछ नहीं था. एंड इसके अंदर ये आती है हम लोग की सैंडल जो कि ब्लैक कलर में है. सी, इट्स लुक प्रीटी, मुझको अच्छा लगा था कि ये काफ़ी अच्छी होने वाली है. इसके हील्स वगैरह एंड इसकी जो ग्रिप थी उसको काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मेरे पास एक ऐसी बॉटम की होगी, बिकॉज मैं कंफर्टेबल नहीं थी हील पे चलने के लिए. जो बहुत लंबी हील होती है मैं नहीं चल पाती, आई लव टू वियर हील बट नहीं होता मुझसे, मैं क्या करूँ. तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी कि थोड़ा ब्लॉक मीन्स इसमें काफ़ी अच्छी हील है जो कि वाइड है एंड मेरे जो फीट को ग्रिप देगी, प्रोवाइड करेगी. एंड ये ऑल राउंड मुझको अच्छी लगी. बट व्हेन आई वियर इट, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं घर पर नहीं थी जब मेरे किसी रिलेटिव ने इसको रिसीव किया, उस टाइम तक ठीक था. फिर मैंने इसको एक बार पहना एंड ये फिर टूट गई. लिटरली मैंने जैसे ही पहना वैसे ही टूट गई. इस मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं इसके साथ, ये वैसे ही टूट गई. मैं भी आपको शो करती हूँ इसका दूसरा पेयर जो कि टूटा हुआ है. एंड इसका रिटर्न डेट भी जा चुकी है 15 जून, यानी कि कल या परसों. ये जब आप वीडियो देखोगे तो दो तीन दिन बाद देखोगे. ये मैं आज 16 जून को बना रही हूँ जो कि 15 जून को इसकी रिटर्न वैलिडिटी ख़त्म हो गई है. सो देखती हूँ अब इसको क्या क्या किया जा सकता है. पहले मैं आपको वो टूटा हुआ दिखा दूँ जो टूट चुका है इसका. आप देख सकते हो अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो, जैसे ही मैंने इसमें अपना पैर ऐसे डाला था वैसे ही यहाँ से निकल गई. मतलब डाला और उठाया पर तुरंत निकल गया वो. मैंने इसके साथ लिटरली कुछ नहीं किया था बट ये टूट गया. आई वोंट से कि शॉप से कि ये थे, आप देख सकते हो पूरी ये टूट चुकी है एंड इसको जुड़वाना पड़ेगा ही बिकॉज इसकी रिटर्न डेट ख़राब हो चुकी है. एंड ये अंडर शायद 300 रुपीज़ थी, अंडर 350 रुपीज़. मैं इसका प्राइस आपको यहाँ मेंशन कर दूँगी. मे बी प्राइस के अकॉर्डिंग ऐसा था बट यह प्रोडक्ट ही ऐसा था. शॉपसी के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होते. मैंने बहुत सारे शॉपसी प्रोडक्ट रिव्यू किया है जो कि काफ़ी अच्छे भी थे, कुछ ख़राब भी थे, कुछ माइनस प्लस दोनों पॉइंट था. बट ये काफ़ी ख़राब थी, बहुत हार्ड है, आपके पैर में लगेगा, दर्द होगा एंड इट्स नॉट वर्थ. मीन्स इसके ऊपर अगर आप 300 भी खर्च करो तो इट्स नॉट वर्थ. तो प्लीज़ डोंट बाय इट. अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट है, सो प्लीज़ डोंट बाय इट. अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो सो लेते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप इस सैंडल को लेते हो या नहीं भी लेते हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बट अकॉर्डिंग टू मी इसको मैं 10 में से 1 नंबर दूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक इट. आई रियली डोंट लाइक इट एंड ये पहनते ही टूट गया. इसका रिटर्न डेट भी जा चुकी है सो आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. बट इसको मैं जुड़वा सकती हूँ अगर ये जुड़ जाए तो. लेट्स सी. बाय बाय. वी विल डेफिनेटली मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.